जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या है अमरनाथ धाम में दिखने वाले अमर कबूतरों के जोड़े की कहानी। एक बार जब पंडित शिवलिंग की आरती करने पहुँचे और वहाँ पर अनोखा दृश्य देखकर सभी हैरान हो गए। गुफा में स्थापित शिवलिंग पर कबूतर बैठे हुए थे। पूजा करने पहुँचे पंडितों के अनुसार ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है। इससे पूर्व शिवलिंग पर बैठे कबूतर नहीं देखे गए थे। हालांकि अक्सर पवित्र गुफा के अंदर कबूतर उड़ते हुए भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरे लिए इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नर मुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि वे एकांत और गुप्त स्थान में उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए जाएंगे, ताकि अन्य कोई जीव जंतु उसे सुन ना पाए। इसके पीछे कारण ये था कि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी पावन गुफा में अपनी साधना की कथा सुनाई थी। गुफा में कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला, जिससे वह अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय वहाँ दो सफेद कबूतरों का जोड़ा मौजूद था, जो ध्यान पूर्वक शिवजी से वो कथा सुन रहे थे। वे बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे, जिस वजह से शिवजी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और वो हुंकार भर रही है। इस तरह कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली तथा कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया तो देखा कि वो सो गई थी। इसके बाद जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। उनका क्रोध देखकर कबूतरों ने याचना की कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के चिन्ह के रूप में निवास करोगे। तब से यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। आज भी कबूतरों का यह दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।